हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूनम रितेश ऑफिशियल। मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। अभी वेदर तो ऐसा है, कभी ठंडा कभी गर्मी, सभी बीमारी चल रहे हैं हमारे घर में। खुद मेरा बेटा, मैं, मेरा फेस देखो कितना डाउन लग रहा है। मैं और मम्मी सभी को सर्दी खांसी फीवर कुछ ना कुछ लगा ही है। इसी में शादी की तैयारियां भी चल रही हैं और आज है 17 जनवरी और आज है मेरा बर्थडे। ये मेरा बर्थडे व्लॉग है, पता नहीं क्या होने वाला है। रात से तो सब कुछ सुना सुना सा ही है, कोई सेलिब्रेशन नहीं, बस कॉल्स आ रहे हैं, कॉल्स पे कॉल आ रहे हैं, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। बहुत सारे विशेस एंड ब्लेसिंग्स तो आ ही रही है। और मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, मैंने सोचा था मैं करूँगी कि नहीं करूँगी, फिर मैं सोचा चलो कर ही लेती हूँ, कुछ ना कुछ तो केक तो काटूंगी ही। ऐसे भी इस एज में ना, अब तो मैं चाहती हूँ नहीं कि मेरा बर्थडे आए, इतनी फटाफट हमारी उम्र बढ़ते जा रही है। मैं सोच रही हूँ अब कम से कम कुछ दिन बाद बर्थडे आए, कुछ सालों बाद आए, 2-4 साल बाद एक बार बर्थडे आ जाए। दिन प्रतिदिन मैं इतनी बड़ी क्यों होती जा रही हूँ, मुझे इतने जल्दी बुढ़े नहीं होने, ऐसी वाली फीलिंग आती है। और आज 17 जनवरी है और जैसा मकर संक्रांति चला गया है और हमारे यहाँ से अभी तक खिचड़ी नहीं आई थी, आज आ रही है। और आज मेरा बर्थडे भी है तो मेरा छोटा वाला भाई आ रहा है। लेट्स सी मम्मा क्या क्या भेजी है। ऐसे कल मैं और मम्मी 16 को मैं और मम्मी गए थे शॉपिंग बड़ा बाजार, तो मम्मा ने मुझे एक सुंदर सी साड़ी दिलाई है। ये बोली ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, ये तुम रख लो। तो वो साड़ी मैंने रख ली, मतलब ले लिया है अभी तक शॉप पे ही है, पॉलिश एंड फॉल पिको के लिए अभी तक शॉप पे ही है, बट मम्मा परचेस करके वो मुझे दे दी है कि तुम अपना मंगा लेना। ऐसे भी कोलकाता में ना बहुत सारे शॉप ऐसे ही है जहाँ पे हम लोग ससुराल से भी वही शॉपिंग करने जाते हैं, मायके से भी वही शॉपिंग करने जाते हैं। तो भैया जानते हैं, हाँ ये इसका ससुराल वाले, ये इसके मायके वाले, तो ठीक है उसका पेमेंट वगैरह जो भी है। एक बर्थडे गिफ्ट मुझे एक साड़ियां मिली है, प्लस लेट्स सी मम्मा भी तो कुछ ना कुछ बर्थडे गिफ्ट भेजेगी, प्लस मकर संक्रांति का कुछ ना कुछ आएगा, जो भी कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं आता है, जितना भी आएगा अच्छा ही आएगा, मेरे लिए तो अच्छा ही है जैसा भी आएगा। और उसी की बस भाई के आने की तैयारियां हो रही है, मैंने कुछ खाना बना लिया है। खाना क्या बना लिया है, छोटा भाई अकेले ही आ रहा है तो क्या बनाऊं क्या बनाऊं, मम्मी बोली थी राइस वाइस बना लो, बट मैंने नहीं बनाया है, मैं सिर्फ वैसे ही पनीर की सब्जी पूड़ी बना दे रही हूँ। उसे पूड़ियाँ ज़्यादा पसंद है, राइस से ज़्यादा पूड़ियाँ खाता है, तो मैं पनीर की सब्जी पूड़ी उसे खिला दूंगी। बट उसके आने के पहले मैंने सोचा मैं थोड़ा अपना रूम साफ कर लेती हूँ, हमारी रूम कितनी गंदी हो रखी है, अभी तक मैंने सुबह से साफ ही नहीं किया था। और अभी कितना बज रहा है, अभी बज रहा है 12, परम भी आने वाला है, स्कूल चला गया था, भैया स्कूल आने गए हैं, और मैं मेरा बेड साफ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ब्लॉग मैंने सुबह स्टार्ट किया था, जो कि उसके बाद मैंने बंद कर दिया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अभिषेक मेरा छोटा वाला भाई आया था और वो जो भी कुछ था आया, न खाया पिया, जो देना था देकर गया। उस टाइम मैं सूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में था, बस उसे
पानी वानी दी, खाया वाया और चला गया। और पर अभी थोड़ा परेशान कर रहा था, तबियत भी ठीक नहीं था। उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने लग गई थी तो सो गई, फिर मैं उठ के सिलाई करने लगी थी। और अब आया है रात के 11 बजे मेरा बर्थडे केक मेरे पतिदेव की वजह से। नहीं तो मैं तो मैसेज ही नहीं कर रही थी, बर्थडे केक नहीं आएगा। शाम से रेडी होके बैठी हूँ, ड्रेस नहीं चेंज किया था, ये भी रेडी हो गई थी थोड़ी टाइम वाला देर। फोन किया था गिफ्ट आया है, क्या गिफ्ट आया है, रिंग लाइट आया है मेरी वीडियोस के लिए, और आया है एक सेल्फी स्टिक स्टैंड, और बस ब्लूटूथ से कैसे करके कनेक्ट करते हैं, वो भी परम की वजह से अभी तक मैंने ओपन ही नहीं किया है। वो मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट किया है। अब चलो देखते हैं, केक काटते हैं। और मुझे गिफ्ट में पता है क्या मिल रहा है, ये केस मम्मा लाई थी, पापा लाई थी।